धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स से निकाले पर फ्रेंचाइजी का बड़ा बयान आया सामने। नमस्कार। विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स सबसे सफल टीमों में से एक रही है। इतना ही नहीं, CSK सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाली दूसरी टीम भी है। लेकिन कुछ दिनों से धोनी के CSK को छोड़ने की खबर आ रही है, जिस पर चेन्नई सुपर किंग्स ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वह धोनी को नहीं छोड़ने वाले। दरअसल हाल ही में साल 2021 में धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी से रिलीज करने की सामने आई थी। लेकिन इन सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाते हुए CSK ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी साझा की है। एक मीडिया हाउस ने ये फोटो ट्वीट की, जिस पर धोनी की फोटो के साथ लिखा था का जवाब देते हुए CSK ने लिखा, क्या धोनी रिलीज होना चाहते हैं? पूर्व कप्तान IPL 2021 में प्रतिद्वंदी टीम में शामिल हो सकता है? इसका जवाब देते हुए फ्रेंचाइजी ने लिखा, नहीं, देश जानता है। CSK के इस ट्विटर से एक बात तो साफ हो गई है कि धोनी फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहेंगे और उनके जाने का कोई प्लान नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी खुद टीम से जाना चाहते हैं ताकि CSK के पास और अच्छे प्लेयर खरीदने के लिए पैसे आ सके। जब धोनी रिलीज होंगे तो CSK के बाद उन्हें कम दाम में खरीद लेगी, लेकिन फ्रेंचाइजी किसी भी कीमत पर धोनी को छोड़ना नहीं चाहती। इसके अलावा यहां तक भारतीय की टीम में धोनी की वापसी का सवाल है तो वह 2020 में जनवरी के बाद वापसी कर सकते हैं।